YouTube फैमिली प्रणाम नमस्कार काहल भरोसे बनके तो वेलकम टू आवर YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून। मैं मिस्टर प्रसून आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो वो सरप्राइज ही है। हम लोग जाने वाले हैं विकास के घर पे। बेबी रेडी हो चुकी है और माँ भी रेडी हो चुकी है। एक्चुअली वहाँ पे है घर बोझ तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं अभी। और दोस्तों आज कार भी मिल गई और ड्राइवर भी मिल गए तो आज हम लोग कार से ही जाएंगे सभी। मम्मी जी को भी मना लिया है कि मेरे साथ में चलने के लिए, तो वो भी हाँ मम्मी पापा सभी चल रहे हैं। और खास बात ये है कि वहाँ पर निशा के भी मम्मी पापा हैं जो आए हुए हैं घर बोझ में, तो उनको भी हम लोग लेकर आएंगे अपने साथ, जिद करके कि वो हमारे साथ ही है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी फ्रेंड की कार है और आज हम लोग इसी से जाने वाले हैं। जल्दी जल्दी बैठो सब, माँ बैठो। तो दोस्तों ये इमरान भाई और आज हम लोग इन्हीं की गाड़ी से जाने वाले हैं। हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और ये पापा के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। पापा बैठ गए आगे तो यहाँ पे सभी गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ गए। चलिए तो दोस्तों माँ इमरान से बोल रही है कि बहू अगर बीच में कहीं मिले खेसारी के साथ तो गाड़ी रोक दिया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बरौली में पहुँच गए और सभी आ गए हैं यहाँ पे। आकाश आकाश बाबू भी आ चुके हैं। गुड़ बढ़िया से छू, बढ़िया छू गुरुआ। शर्म किस बात का है, आपको नहीं आता हमको आता। दोस्तों बहुत ही खतरनाक रास्ता है आकाश। ये कौन रास्ता भाई, सुरंग वाला। तो दोस्तों घर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाहर से देखने में, अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। और बहुत ही मस्त घर बनाया फूफा जी। फूफा जी भी मिल गए हमें और फूफा जी कराएंगे आज होम टूर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और बहुत ही मस्त बिंदास है, हमारी तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है फूफा जी के साथ। तो चलिए गाइस अभी देखते हैं फूफा जी क्या बताने वाले हैं नए घर के बारे में। वाह, ये सब फूफा जी पूरा संगमरमर का लेकर आए थे मूर्ति। अच्छा जयपुर से लेकर आए थे। तो बहुत ही खूबसूरत है स्टैचू भगवान जी का, देख सकते हैं आप लोग। और निशा भी यहाँ पे आ गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इंटीरियर से लेके सब कुछ इतना खूबसूरत, मतलब फूफा जी की पूरी कमाई है, मेहनत की कमाई इसमें दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर निशा की बुआ भी मिल गई है दोनों, और दोनों बैठ के मस्त बातें कर रहे हैं यहाँ पे सब। ये पूरी निशा की फैमिली है, यानी मेरी इन लॉस फैमिली है। ये की चाचा भतीजी मिल गए यहाँ पे और दोनों अब मस्त बांग्ला में बात कर रहे हैं। और ये तो मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं भाई, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अभी 3 बज गए हैं और सभी को लग गया है भूख और सबको जा रहे हैं खाना खाने के लिए नीचे। मुंटी भी है, अंजलि है, माँ है और मिसेस प्रसून भी है। गाइस बने रहे, आ गए हमारे सरदार जी। आप लोगों ने डांस तो देखा ही होगा, खुश रहा बाबू हमारे एकदम। हमको ब्लॉगिंग करने नहीं आता गाइस, फिर भी मैं कर रही हूँ। ये लोग अभी दही बारा खा रहा है शायद, इसका टेस्ट कैसा दीदी? तीन लाइट मैन है हमारे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। तो अब वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। अरिशा भी आ गई, आकाश गुप्पी भाई सभी, मम्मी जी भी हैं। काफी सैड है, घूर के देख रही है मुझे कि क्यों जा रहे हैं आप। बोलो पहुंचो और दोस्तों जो आपने शादी का ब्लॉग देखा था अंजलि का, ये मम्मी है, सच में मम्मी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है जाने का और यहाँ पे हमारे प्यारे साले साहब, अभी मैं दोनों को अभी हम लोग अम्बाला मिलेंगे तो और मजा आएगा। ये है गुप्पी बाजी और ये हमारे अजय भाई, बहुत ही मजा आता है इन लोगों के साथ। इनके साथ जो कंपनी हमारी बिकती है ना भाई, बता नहीं सकता। ये बंदा रो रहा है, रो रहा है थूक लगा। अबे भाई चलो भाई मिलेंगे फिर और मजे करेंगे। ठीक है बा, ये भोजपुरी सीख गया है। ठीक है बा, एक बार ये कर बा। पापा जी भी जा रहे हैं, बहुत सारा लगेज है, रोइएगा नहीं। आकाश कह रहा है कि रोइएगा नहीं और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। प्रीति खुशी दौड़ी सभी को, बाय बाय और प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से सभी को। बाय बाय टाटा, किसी हाय कीजिए। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है अलविदा कहने का। बहुत ही पतली गली है और अभी निकल रहे हैं और गुप्पी भी जा रहा है भाई, डर भी लग रहा है। बीच में मैंने दिखाया था ना आपको, वो बीच में नाली टाइप का बना हुआ, अभी अंधेरा हो गया इधर।
तो कुछ दिख नहीं रहा। तो चलिए हमारी कार आ गई और अब कार में बैठ के हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर पे और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। निशा की जो इन लॉज फैमिली उन सभी से मिले हम लोग, बहुत ही मजा आया। फिर आकाश की भी फैमिली थी क्योंकि उस दिन शादी ही थी तो शादी में उतने अच्छे से नहीं मिल पाए, अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोग को आना पड़ा। और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि शादी क्या हमारी भी 2 साल हो गई है तो लॉकडाउन लग गया तो हम लोग जा भी नहीं पाए। बहुत मैं कम ही गया हूँ ससुराल अपने, यहाँ पर जो बिहार में यहाँ पर सभी रहते हैं निशा की जो इन लॉज फैमिली है। दोस्तों फूफा जी ने तो सच में बहुत ही मस्त घर बनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पापा मम्मी भी गए थे, सभी आ गए हैं और निशा के भी पापा मम्मी हम लोग के साथ ही आए हैं क्योंकि कल उनकी फ्लाइट है तो वो लोग को हम लोग लेकर आए क्योंकि यहाँ से उनको पटना जाना होगा तो बहुत ही आसान रहेगा यहाँ से जाना। और बाकी चलिए देखते हैं कि निशा क्या कर रही है, वो भी आ गई है तो थक गई थी काफी ज्यादा क्योंकि 1.5 घंटा। और रात में क्या हुआ कि हम लोग रास्ता भी थोड़ा बहुत रात में पता नहीं चला तो 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट आगे ही चले गए थे तो बहुत ही दिक्कत हुई है। और अभी घर पे आ गए हम लोग। निशा भी है अपना यहाँ पे, ये भी फ्रेशर्स हो गई है बेचारी अपना। बाबू मजा है ना आज बहुत? हाँ बहुत मजे किए हम लोग वहाँ पे, ताकि सबसे मिले, पीसी भी मिथी सब। और इतने छोटे छोटे कजन हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। गुस्सा हो गई थी क्योंकि हम लोग का बात था 2 दिन पहले ही जाने का लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि थक गए थे बहुत ज्यादा। और थक भी गए थे और स्कूल भी ओपन हो गया था, मंडे था तो फिर जाना था। घर पे भी मम्मी जी का मन था कि हम लोग रहे आए हैं तो यहाँ रहे, क्योंकि जब से आए हैं इधर उधर ही चले जा रहे थे हम लोग तो इसलिए। तो अभी तो काफी लेट हो गई है, 10:30 बज गए और हमारे घर के बगल में एक ब्यूटी पार्लर खुली है तो वहाँ हमें जाना भी था आज, उसका ओपनिंग शुरू में नहीं था। और एक बात है क्या हुआ, हम लोग जैसे कार से उतर रहे थे वो लोग ना यहीं पे खड़े हुए थे, बोले क्या हुआ आप लोग आए क्यों नहीं, ये वो बहुत कुछ बोल रहे क्योंकि उन लोग का बहुत ज्यादा मन था। मैं उस अंकल आंटी के ना बच्चों को पढ़ाती भी थी स्कूल में, तो थोड़ा सा एक लगाव हो गया उनसे तो वो लोग बोले थे कि आप आइएगा मैम अच्छा लगेगा हम लोग को, ये हो आएंगे आएंगे। बट हम लोग सोचे थे शाम को जल्दी से वापस आ जाएंगे फिर जाएंगे पार्लर में, बट हो नहीं पाया। बाकी मैं कोशिश करूंगी कल जाने की क्योंकि मेरे बाल थोड़ा सोच रहे हेयर कट करा के, आप लोग बोल रहे थे ना। देख लो दोस्तों स्ट्रेट होने वाला है यार, हेयर स्ट्रेट होने वाला है लग रहा है मुझे, नहीं हेयर कट करवाएंगे। चलिएगा इस कोई नहीं। सो आप लोग बताइए थोड़ा हेयर कट करवाने से कैसा लगेगा, बाकी मेरा बाल तो थोड़ा लंबा लंबा है, मैं कटवाती नहीं हूँ जल्दी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई नहीं गाइस, बाल कटाएंगे तो अच्छा लगेगा ही। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जो भी आपको नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ऐसे ही प्यार हमें बनाए रखें, प्यार देते रहें। तो दोस्तों करते इस ब्लॉग को यही पेंट, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।